दुर्ग जिले की टीम और यहाँ मैच हो रहा है धमतरी जिले में और दोनों ही टीमें बड़ी सशक्त उतना ही जबरदस्त रेड जर्सी नंबर 11 11 नंबर की जर्सी में रेडर रेड करते हुए फिर से जा रहे छत्तीसगढ़ की जर्सी में जर्सी नंबर 7 सात नंबर की जर्सी में सात नंबर की जर्सी में जा रहे हैं। देखते हैं रेडर बड़े चंचल और चपलता पूर्वक रेडर रेड करते हैं। यह पांडा के जबरदस्त रेडर है। फिर से तरह के रेडर सात नंबर की जर्सी में रेड करते हुए यहाँ तरह के जाने माने रेडर हैं जो हमेशा पॉइंट लेने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे बोनस का प्रयास फिर से वही देखते हैं। यहाँ पे जबरदस्त सिंगल वन पॉइंट पांडा फिर से काफी बड़ी टीम में मैच करने में बहुत जबरदस्त फिर से गए हैं पांडा के रेडर रेड करने। अब देखते हैं और यहाँ पे इंपायर का इशारा 2 पॉइंट सुपर रेड यहाँ पे पांडा के रेडर ने फर्स्ट रेड में सुपर रेड सुपर रेल लगा दिया। शायद तर्रा को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि आप अभी मैच कहाँ नहीं जा सकता। देखते हैं लाइन मैन भी अपना ध्यान से ग्राउंड पर ही थे क्योंकि यह बड़ा रोमांचक मैच है। देखते हैं सुपर टेकल ऑन है फिर से वही रेडर जो इससे पहले सुपर रेड किए थे वही गए हैं। 2 पॉइंट है यार पकड़ो। और यह मैच बड़ी शांत मुद्रा में चलता हुआ पांच ओवर से कर रहा देखते हैं यहाँ पे रेडर बड़े शांत रीडिंग करते हैं और बकायदा 1 पॉइंट लेते ही लेते हैं। यहाँ पे हैंड टच करने का प्रयास किए थे बट नहीं हुआ फिर से काफी लंबे गज के रेडर और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे सुपर टेकल करने का मौका और यहाँ पे सुपर टेकल सर्रा को 2 पॉइंट मिलता हुआ फिर से उसके रेडर जो आउट हो चुके थे वो अंदर आ चुके हैं सात नंबर की जर्सी में महेश। देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे बोनस पॉइंट लेते अंधेरा हो रहा है यहाँ पे फिर से वही रेडर जाते हुए इससे पहले बोनस ले गए थे फिर से देखते हैं तरह की टीम वापसी करना जानती है मैचों में वही पांडा की टीम भी हर अनुभव से बची हुई है। देखा। 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 देखा।
अरे सेकंड है टैकल हुआ था, उसके बाद मैच ने बोनस लिया था। और यहाँ पे जबरदस्त टैकल, उतनी ही जबरदस्त टैकल। फिर से देखते हैं यहाँ पे महेश, पूरे महेश के कदमों में गरमदार है यह मैच। पॉइंट टू पॉइंट ले ही रहे हैं और तरह की टीम को चाहिए कि वह अपने टीम देखते हैं। यहाँ रेडर भी जबरदस्त रीडिंग करते हैं, जबरदस्त बोनस लेते हैं। 7 नंबर की जर्सी में दोनों ही तरफ 7 नंबर की जर्सी में रेडर रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम आउट मांगते हुए फिर से तरह के वही रेडर, इनके कंधों पे पूरा दारमदार है इस मैच का। लग रहा है कंटिन्यू यही रेडर रेड करते हुए। और यहाँ पे जबरदस्त टैकल पांडा की तरफ से, उतनी ही जबरदस्त डिफेंस पांडा की ओर से, सभी ने मिलकर पकड़ा। एक पल ऐसा लगा कि वह छूट गए हैं। देखते हैं 5 नंबर की जर्सी में गए हुए हैं रेडर क्या कर पाते हैं। जैसे 11 नंबर की जर्सी में रेडर, काफी हट टिकट ले रेडर। देखते हैं क्या कर पाते हैं पांड्या के ग्राउंड में, कुछ कारनामा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे 5 प्लेयरों के बीच में रेडर रेड करते हुए और यहाँ पे सिंगल टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, बट रेडर बड़े ही चलाक थे। और यहाँ पे चालू होता हुआ सेकंड हाफ में अभी इक्वल है और फिर से आए हैं पांडा की आन बान शान 4 नंबर की जर्सी में दिखे, जो कि अच्छे रेडर है, काफी फुर्तीले रेडर है। वहां पे देखते हैं फिर से आज के हैं तरह के स्ट्राइक रेडर 3 नंबर की जर्सी में यादराम, काफी अच्छे रेडर हैं। उतनी जबरदस्त डिफेंस पांडा की टीम की भी, इतनी तारीफ करूं इतनी कम। चारों प्लेयर क्या गजब का कॉम्बिनेशन, फिर से काफी अच्छे करते रेडर। देखते हैं क्या कुछ अजूबा। और यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे फिर से वही रेडर जाते हुए। गजब का टैकल, फिर से तरह घटी पिछड़ती हुई, फिर से वही रेडर 5 नंबर की जर्सी में। देखते हैं क्या कर पाते हैं। पांडा के रेडर गए हुए हैं और ये जीर, जीर। इस प्रकार
एक पॉइंट ले गए पांडा के रेडर और 11 नंबर की जर्सी पे गए हैं और पांडा की उड़ गए हैं पांडा के जाने माने रेडर जर्सी नंबर 5 सुपर टिकल ऑन है देखते हैं दर्रा के खिलाड़ी दोनों टीम का मैच है मैं दोनों टीम से निवेदन चाहता हूं कि वे दोनों टीम कीटअप होकर मैदान में उपस्थित रहें छोटा वर्सेस भिंड तरह के रेडर गए हैं जर्सी नंबर 1 बहुत अच्छे रेडर करते हुए इस प्रकार 1 पॉइंट पहांगा को और मिलता हुआ और ये रेडर और डिफेंडर बिकास मिड लाइन पर यहाँ कबड्डी में कुश्ती के रूप में दिखाई दिया पहांडा के मैदान पर अच्छी रेडिंग करते हुए खिलाड़ी को मैदान पर ले आए दर्रा के खिलाड़ी और पहांडा के जाने माने रेडर जर्सी नंबर 5 लगता है तर्रा के खिलाड़ी क्रॉस रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसी प्रकार पांडा की टीम लीड बना चुकी है इसलिए समय व्यतीत करते हुए अंतिम 1 मिनट का खेल बचा हुआ है और पांडा का स्कोर है 16 और तर्रा है 9 सूझबूझ से काम लेते हुए पांडा के खिलाड़ी समय व्यतीत कर रहे हैं और एंकल होल्ड की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार ये अंतिम रेड होता की जताया और पांडा की टीम ने 17 पॉइंट लेकर बरकरार कर लिया है खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए सोचा था कि काफी रोमांचक होगा